मेरे लिए आज की शाम बड़ी लाजवाब शाम है, क्योंकि पंजाब पंजाबी गज़ल दी जे गल करिए तो मेरे ख्याल नाल इस टाइम बड़ी तरसयोग हालत है पंजाबी गज़ल की। तो मैं आज की शाम लिए बधाई देना चाहांगा पंजाब कला दर्पण शामपुर के जिन्हें भी प्रबंधक ने या जिन्हें भी इन्हों के मैंबर ने कि बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा एक उद्यम है इन्हों का पंजाबी गज़ल लिए, पंजाबी गज़ल को जीवंदा रखने वास्ते। मैं पंजाब तो बाहर जाके भी वेख्या, हिंदुस्तान तो बाहर भी जदों इंग्लैंड कैनेडा वगैरह जाने उधर लोग अच्छी शायरी को बहुत प्यार करते हैं। कई बार उधर के जोड़े साढ़े गवैये ने वो जो उधरों जाके आते हैं तो वो आके दसते हैं कि उधर अच्छा गाना नहीं सुनया जाता, अच्छी शायरी नहीं सुनी जाती। पर मेरा अपना निजी ये तजर्बा है, मैं हुण सितंबर के महीने इंग्लैंड से उत्थे मैं जिन्नियां महफलों च गाया उत्थे अच्छी गज़ल नूं लोगों ने प्यार किया। ये साडा वहम है, साडी सोच है कि लोग गज़ल नहीं सुनते। अफसोस की गल यह है कि साडे कोल गवैये सो बड़ी मेहरबानी अज भी इस महफल च मेरे बहुत सत्कारयोग साडे बाबा जी, मैं तो इन्हों बाबा जी क्या करदा, जनाब उल्फत बाजवा साहब सब तो पहला मैं मत्था टेकदा जी, क्योंकि इन्हां दी शायरी मेरे रोम रोम च बसी है। मैं इन्हां दीयां गज़लां बहुत गाईयां, कुछ रिकॉर्ड भी कीतियां वैसे ही सुनने वास्ते, क्योंकि जदों किसी नूं कहिए पंजाबी गज़ल दी टेप करो कोई कंपनी भी हुंगारा नहीं भरदी, ते वो अपने सुनने वास्ते वैसे रिकॉर्ड कीतियां सी, इन्हां कोल भी हैगियां ने कैसा। सो अज दी महफल च तशरीफ फरमा ने, मैं इन्हां नूं जी आया कहंदा हां अपने वालों और सारी प्रबंधक कमेटी जिन्नी भी अज दी शाम जिन्हां ने ऑर्गेनाइज कीती है, उन्हां तों बाद डिप्टी साहब तशरीफ फरमा ने, उन्हां नूं भी जी आया। साडे अज दे मुख मेहमान सरदार साहब तशरीफ फरमा ने, उन्हां नूं जी आया। साढ़े तो बहुत सीनियर फनकार साढ़े वड्डे जनाब शीतल सिंह शीतल वो तशरीफ रखते हैं, उन्होंने भी जी आया। मैं इस तो बाद अगे जाके कितने हाज़री भरनी है, इस करके दो चार गज़लां थोड़ी नज़र कर रहे हैं जल्दी जल्दी। गुरदयाल रोशन साहब की एक गज़ल थोड़े नाल सांझी कर रहे हैं। दो लाइना एक गजल दियां पढ़ रहे हैं। एक मुद्दत तू बिछड़े सजना, एक मुद्दत तू बिछड़े सजना, वसदाएं केड़ी थां लिखना अपनी हालत बारे में चिट्ठी विच दो सतरां लिखना। बड़ी मेहरबानी लिखी जी ताड़ी वास्ते। अच्छे लोग बैठे ने संगीत नूं समझण वाले, शायरी नूं समझण वाले, लेकिन ताड़ी बड़ी गरीब जी बजी। मेहरबानी। एक मुद्दत तो एक मुद्दत तो बिछड़े सजना, वसदाएं केड़ी थां लिखना अपनी हालत बारे में चिट्ठी विच दो सतरां लिखना। किस जंगल दे किस रुख उत्ते है डेरा तेरा ऐ पंछी, मेरे शहर वी आ सकदा है उड़ के तू आया। थैंक यू। मेहरबानी। गजल नजर कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लाइना लिखिया ने दर्शन साहब ने। कुछ समय विच ही वो कतरे तो समंदर बन गए, देखते ही देखते रस्सियां तो अजगर बन गए। नजर कर रहे हैं। शायर ने अज की गायकी जो अजकल असी वेख रहे हैं या जो असी सुन रहे हैं वो तस्वीर खींचने की कोशिश की है। काबिल गौर लाइना है। बंसरी सुन के गुलशन जी बड़े अच्छे कलाकार ने, प्यार करते हैं। मेहरबानी। बन गए दरिया रवानी सी जिना दी जाल विच, बन गए दरिया रवानी सी जिना दी जाल विच, सड़कते जो खड़ गए, सड़कते जो खड़ गए वो मील पत्थर अजगर बन गए कुछ समय विच कतरे तो समंदर बन गए कुछ समय विच कतरे तो समंदर बन गए देख दे दे अजगर बन गए कुछ समय कतरे तो समंदर बन गए 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 कतरे तो समंदर बन गए। शेर नजर कर रहे हैं, थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। तुर गया इस हाल विच मैनू अकला छट के घर मेरा मेरे लिए हुण जेल खाना हो गया घर मेरा मेरे लिए हुण जेल खाना जख्म खा खा के दुनिया तो रवाना हो गया एक निशान बाद आज खुद ही निशाना हो गया। शेर है राह बराने दो ही हथी लुट के बोझे पर ले राह बराने दोनों हथी लुट के बोझे भर लेके की कह रहे राहबरान दोनों हथी लुट के बोझे भर ले पा रहे रौला दे हुण खाली खजाना पा रहे रौला खाली खजाना हो गया। जख्म खा खाते ओ दुनिया तो रवाना हो गया। एक निशाने बाद खुद ही निशाना हो गया। अग पानी हो गए कट्ठे ने दोवें देख अग ते पानी का कदे मेल नहीं हो सकता। खास शेर नजर कर रहे हैं। अग पानी हो गए कट्ठे ने दोवें देख पहरेदारा ना चोरा अग पानी हो गए कट्ठे ने दोवें देख पहरेदारा ना चोरां दा यराना हो। जख्म खा खा के वो दुनिया तो रवाना हो गया। एक निशाने बाद खुद ही निशाना हो गया। सच की कह हो गया रोशन तो लोकां सामने क्योंकि दोस्तों सच में फांसी है। सच की कह हो गया रोशन तो दुनिया सामने उसदा दुश्मन है हम सारा जमाना उसदा दुश्मन है हम सारा जमाना हो गया। जख्म खा खा के वो इस दुनिया को रवाना हो गया। एक निशाने बाद आज खुद ही निशाना हो गया। एक निशान खुद ही निशाना हो गया। एक निशाने वादिया खुद ही निशाना हो गया। जिन्हां दर्शकों ने अजे तक दर्पण टीवी नूं सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके वो हुणे ही सबसक्राइब कर लवो ते बेल आइकन जरूर दबाओ।